ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। राहुल गांधी पर प्रमोद कृष्णम ने भी तंज कसा है। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है। राहुल खुद कहते थे डरो मत और अच्छा होता राहुल अमेठी से लड़ते, ये कहना है प्रमोद कृष्णम का। तो पूर्व में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं प्रमोद कृष्णम, लेकिन अब तंज कसा है कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा गया। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मायूसी हुई है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ें, और राहुल गांधी रोज अपने भाषणों में कहते थे, पब्लिक मीटिंग में कहते थे, डरो मत। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहते थे डरो मत, देश की जनता को कहते थे डरो मत, खुद डर गए। लेकिन सपरिवार पहुंचे हैं नामांकन करने यार रायबरेली में, आपको लगता है राहुल गांधी डर गए हैं? अच्छा होता कि वो अमेठी लड़ते, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, स्मृति ईरानी के सामने लड़ते, और अगर अमेठी छोड़ना था तो नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ते। तो रायबरेली क्या राहुल के लिए सेफ सीट है? देखिए, राजनीति में कौन सी सेफ सीट है कौन सेफ सीट नहीं है ये नहीं देखा जाता, राजनीति में फैसलों का स्वागत होता है। बीजेपी कह रही है कि रायबरेली भी राहुल गांधी हारेंगे और जहां से हारते हैं वहां से पलायन करते हैं, आपको इस दावे में कितना दम लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी हारें या जीतें, चुनाव वो हार जाएं या जीत जाएं, लेकिन जो हौसला था वो हार गए, जो भरोसा था वो हार गया। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को अभी आपने सुना, और हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, आरोप ये लग रहे हैं कांग्रेस पर कि अमेठी छोड़कर भाग गए, रायबरेली से आज नामांकन भरने वाले हैं, लेकिन अमेठी से जिस तरह से स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी डर गए और अमेठी छोड़कर भाग गए हैं, किस तरह की हलचल है अमेठी में? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी, जहां चर्चा ये थी कि वो अमेठी से चूंकि चुनाव लड़ते रहे और पिछली बार दो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से वो चुनाव हारे थे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब सीधे तौर पर पीएम मोदी ने भी निशाना साधा कि शहजादे वायनाड से उनकी हार उनको महसूस होने लगी है, यही वो वजह है कि वो रायबरेली पहुंचे हैं चुनाव लड़ने के लिए और अमेठी के मैदान से वो बाहर चले गए हैं। स्मृति ईरानी ने भी अभी बयान दिया है अमेठी में ही अपने आवास के बाहर, सीधे तौर पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी की सीट से वो चुनाव लड़ने की बजाय रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। तो एक बात साफ है कि अमेठी से जिस तरीके से राहुल गांधी यहां पर लगातार चुनाव लड़ते रहे, और इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं है अमेठी की, और यहां से केएल शर्मा को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है, राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन कर रहे हैं, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर इसे अपनी रणनीति और एजेंडा बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं सभी निशाना साधने लगे हैं कि राहुल गांधी अमेठी के मैदान से, चुनावी मैदान से, सियासी मैदान से अब वो उस मैदान को छोड़ चुके हैं और रायबरेली की सीट पर वो पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह भी कह रही है, खासकर स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनका भी बयान आया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव हारेंगे, और यही नहीं, उन्होंने अमेठी के प्रत्याशी को लेकर कहा कि मेहमान का स्वागत है अमेठी में, यानी कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से लगातार निशाना साधते पहले भी आई, अब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक विशेष रणनीति से अब लोकसभा के चुनावी मैदान में उतर चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाकर स्मृति ईरानी तक, सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी के सियासी मैदान को छोड़ चुके हैं और उनको डर है कि वो वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, यही वो वजह है कि रायबरेली पहुंचे हैं। दूसरी तरफ केएल शर्मा, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है,